मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ की है ना, उसने अपनी कंपनी में किसी एक बहुत बढ़िया एचआर डिपार्टमेंट किसी को नौकरी पे देना था। इंटरव्यूज जब नीचे लेवल पे हो गए तो अब उस कंपनी का सिस्टम ये था कि वो सीईओ ही हैंडओवर करता था उसको अपॉइंटमेंट लेटर, है ना। उस कंपनी का एक प्रोटोकॉल होगा या आप उसको कुछ भी समझ लें कि वो सीईओ ही उस एचआर के हेड को लंच पे कॉल करता था और अपने हाथ से उसको एनवलप देता था अपॉइंटमेंट लेटर का। तो तय समय पर वो एनवलप लेके अपने ऑफिस से निकला और एक लंच पर पहुंचा जहां पर उसने अपनी कंपनी के हेड एचआर को वो लेटर देने के लिए बुलाया था। और वो हेड एचआर भी वहां पहुंचा, लंच ऑर्डर से पहले सूप ऑर्डर हुआ। बड़ी दिलचस्प घटना है, ध्यान से सुनो। लंच ऑर्डर होने से पहले सूप ऑर्डर हुआ, तो जिस कंपनी का जो मालिक था उसके सामने भी सूप आया और जिसको उन्होंने नौकरी पर रखना था उसके सामने भी सूप आया। तो जैसे ही सामने वाले के सामने सूप आया, उसने वो सॉल्ट का जो और पेपर का जो वो छोटा सा वो उसने सूप में डाला और वो पेपर का भी डाला और पीना शुरू कर दिया। अब सीईओ ने उसको ये करते हुए देखा, पूरा सूप पिया दोनों ने लंच किया। सीईओ ने उसको एनवलप नहीं दिया, उसने हाथ मिलाया कि माय एचआर टीम विल बी इन टच विद यू, नाइस मीटिंग, वापस आ गया। और उसने अपने हेड एचआर को बुलाया। हेड एचआर ने बोला, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आप एक अपॉइंटमेंट करके आए, बहुत बढ़िया। बोला, मैंने उसको रखा ही नहीं। लेकिन बोला, आपने उसको रखा नहीं क्यों? बोला, हम लोग लंच पे गए थे। बोला, और हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया। बोला, उसने टेस्ट किए बिना कैसे नमक डाल दिया, उसको पता कैसे चला कि इसमें नमक कम? इसका मतलब हमारी कंपनी में एक ऐसा आदमी आ जाएगा जो बिना देखे बिना समझे डिसीजन लेगा। हाँ, टेस्ट करने के बाद नमक डालता मैं समझता, उसने बिना टेस्ट किए नमक डाला कैसे? तो जो उसका एचआर था जिससे ये बात कर रहा था, उसने कहा, सर डू सच लिटिल थिंग्स मैटर? चेयरमैन सेड, डू यू रियली थिंक इट्स अ लिटिल थिंग? इफ यस, यू विल बी नेक्स्ट टू गो, यू विल बी द नेक्स्ट टू गो। तुमको लगता है छोटी बात है? डोंट टेक decisions ऑन assumptions, माई डिफरेंस। और अधिकांश लोग मरते ही assumption में decision लेकर assume कर लेते हैं बस। Clarify the facts and figures first, then take decision. जब तक आप facts and figure को clarify नहीं करें कभी life में decision, assumption पर मत लेना यार, बहुत नुकसान करते हैं।